गुड मॉर्निंग, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। बस सुबह हो गई है और मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। अभी फातिमा स्कूल भी चली गई है, उसको मैं स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। अब रेगुलर की रूटीन मेरी ही बन गई है। जब मम्मी का दिल करेगा, मम्मी जब जाएंगी उसको लेने के लिए, छोड़ने के लिए, अब रेगुलर मैं ही जाती हूँ बस। तो फिर मैं वहीं अभी आकर बैठूँगी, थोड़ी देर हुई है तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काम आया हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं अपने काम पे बैठ जाती हूँ। तो बस मम्मी अपना काम कर रही हैं। ज़रा क्या काम कर रही हैं, उनको जो है ना हॉस्पिटल जाना है, तो मैं तो नहीं जा रही। मैंने कहा था शायद मैं जाऊँगी, पर मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे काम भी करना है। और तो फिर अम्मी जा रही हैं, तो जो है ना अम्मी अपने कपड़े निकाल रही हैं। निकाल लिए? कौन से पहन रही हो? अच्छा, तो फिर किसके साथ जाना है हॉस्पिटल? देखो हाँ तो सही है, मोहित से बोल दो, वो जो है ना बाइक पर ले जाएगा। ये क्या फिर जो है ना आ जाना, फिर उसके साथ चले जाओ। उसके साथ में जाएंगी खाला का बेटा जो है ना, उसके साथ में बाइक पर चली जाएंगी अम्मी। तो फिर वहाँ से आ जाएंगी, या तो अजीम के साथ आ जाएंगी, या फिर जो है ना रक्षे में आ जाएंगी, क्योंकि मरियम भी वहीं पर ही है आयशा के घर पर, शायद उसको साथ में लेते हुए आ जाएं। तो बस अम्मी अब अपने जाने की तैयारी कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने काम पे बैठ जाऊं, क्योंकि अभी फातिमा तो अब दोपहर तक ही आएंगी, तो मैं जब तक अपना काम कर लेती हूँ। मैं बस अब मैं कटिंग वगैरह करने के लिए बैठ रही हूँ कपड़ों की, फिर मैं जो है ना सीने के लिए बैठूँगी कपड़े करने के लिए बैठ गई थी। फिर हमारी लाइट भी चली गई, लाइट चली गई तो फिर मैंने उठ के थोड़ा रोटी बना ली। मैंने कहा अभी फातिमा आने वाली है, तो मैंने कहा उसके लिए खाना बना के तैयार कर लिया जाए, क्योंकि उसको आते ही भूख लगती है, सब्र नहीं होता है, ऐसा लगता है पता नहीं कब की भूखी है वो। तो बस तो फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई, इतने में अबिया फातिमा भी आ गई। तो अबिया फातिमा कह रही मम्मा मैं कार्ड वगैरह मिला है कुछ लेकर आई है। तो फिर मैंने देखा था वो डिटॉल के जो है ना पूरे पूरे कार्ड होते हैं, जो अक्सर स्कूल वगैरह में बॉयज़ को और गर्ल्स को मिलते हैं, क्योंकि जो है ना जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पर भी ऐसी चीज़ें आती थी स्कूल वगैरह में। तो जो है ना ये मिली है उसको, दिखाती हूँ मैं, ये ड्राइंग वगैरह है कुछ, ये सारी इनकी लिखी हुई है, तफसील लिखी हुई है सारी इन चीज़ों की, और जो है ना ये कार्ड भी दिए। फिर मम्मा ये सारे में जो है ना स्कूल का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, और लिख के पेन कॉपी के ऊपर पेस्ट करना है मुझे ये। तो कह रही है मम्मा मुझे जो है ना दो रेपर भी चाहिए। क्या चाहिए अभी फातिमा? डिटॉल के दो रेपर कह रही है मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मंडे को लेके जाना है स्कूल में जो है ना देना है, फिर मुझे ड्राइंग बुक मिलेगी। मैंने कहा हाँ हमारे टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो बस वो यही लेकर बैठी हुई है, चीज़ें लेकर बैठी हुई है और यही कर रही है, स्कूल से आ गई है। वैसा वो आ गई, वो चलते चलते जो है ना मेरे पास आ गई वो भी। चले मैं उसको भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगी सिर्फ सही है, क्योंकि हर कोई कैमरे के आगे नहीं आता है, पर जो है ना मेरी फ्रेंड आ जाएगी, मैं उसको लेकर आ जाऊँगी, सही है। तो जो है ना वैसे मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जो आ जाती हैं, अच्छी हैं, और ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। देखिए ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे से सिलाई भी करवाती है, ये मेरी दोस्त भी, और गली में रहती है ये। देखो कैसे नकाब वकाब लगा कर पूरी सामने आई है ये। चले तो अब जो है ना अब मैं थोड़ी इससे बातें वगैरह करूं, फिर उसके बाद में मैं जो है ना आपसे बात करती हूं, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूं, क्योंकि आज थकान बहुत हो गई थी, थोड़ी सी देर में लेटी तो मेरी आँख लग गई। तो जो है ना बस अभी नमाज़ पढ़ी है, मेरे छोटी खाला भी आ गई थी अभी, तो जो है ना जो करीब में रहती है जानते हैं आप लोग, तो वो भी आ गई थी। तो बस अम्मी चाय बना रही हैं, चाय बना रही हैं, और चाय के साथ पापड़ भी फ्राई कर ली है। तो अम्मी ने चाय के साथ पापड़ भी फ्राई कर ली है और चाय भी बना ली है। तो सर में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, तो जो है ना चलें चल के जो है ना चाय वगैरह पीते हैं। और जो है ना आज सारा दिन काम पे बैठी हुई थी ना, इसलिए थकान बहुत हो गई थी मुझे। तो अम्मी और खाला भी नमाज वगैरह पढ़ के हम फ्री हो गए, तो बस अभी जो है ना चाय पी रहे हैं हम लोग। अभी फातिमा भी बाहर खेल रही है, चलें उसको भी बुला लेते हैं, वो भी चाय पी लेगी हमारे साथ में। तो जो है ना अभी आपको आवाज़ देती हुई चलें, बल्कि मैं दिखाती हूँ कैसे खेल रही है। मैं नहीं जा रही, मैं ऊपर छत पे जाती हूँ, वहाँ से आपको दिखाती हूँ क्या जो है ना अभी फातिमा बच्चों के साथ खेल रही। अक्सर आओ ना यहाँ पे, सर में लगता ही है, हल्का सा लगता ही है, टच होता ही है ज़रूर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे खेल रही है वो, देख लीजिए वो नज़र आ रही है बच्चों के साथ में बड़ी। अभी हाँ नहीं सुन रही, इतनी मगन है वो, इतनी खेलने में मगन नहीं है, तो वो देख मस्तियाँ कर रही है।
देख लीजिए बहुत मगन हो गई वो खेलने में, वो नहीं सुन रही है वो। आज थकान ऐसी हो रही थी क्योंकि आज सुबह से काम पे बैठी हुई थी ना, तो काम ज़रा देने का था इसलिए आज देर तक बैठी थी, वरना मैं जल्दी उठ जाती हूँ मैं काम करने के बाद, क्योंकि जो है ना इतना काम करो कि थकन भी नहीं हो और जो है ना घर की भी काम सुकून से निपटा लो। तो बस आज मुझे ज़रा देर हो गई, थोड़ी सी बैठी आराम के लिए तो मुझे नींद आ गई, तो फिर मैं अभी थोड़ी सी देर पहले ही उठी हूँ मैं, तो फ्रेश होने के बाद नमाज़ भी पढ़ ली और खाला भी आई हुई है। अब चलें अबिया को भी नीचे से एक दफ़ा और आवाज़ दे लेते और फिर मैं चाय वगैरह पीती हूँ। पी थी हमारी लाइट आ गई, लाइट का तो आपको पता ही कितना इशू रहता है, और लाइट तो जाती है फिर 2 घंटे के बाद आती है, तो थोड़ी सी देर की नहीं आँख लग जाती है बस। और जो है ना हम खाना वगैरह खा के भी फ्री हो गए, तो अभी कह रही थी मैं मुझे जो है ना आलू मेथी नहीं खानी है, मुझे जो है ना वो चाय पराठा खाना है। फिर मैंने उसको चाय पराठा बना कर दिया, तो उसने चाय पराठा खाया, इसकी शक्ल भी ऐसी सोई सोई सी लग रही है, देखें ये देखें सोते में से उठती थी कह रही अब मुझे चाय पराठा चाहिए, तो बस इसको अभी चाय पराठा बना के दिया। और अम्मी बैठी हुई हैं, जो है ना कोई ड्रामा वगैरह आता है तो वो देख रही हैं अम्मी, और जो है ना मैं यहाँ पर बैठी हुई, तो मैं ये सोच रही थी कि अब थोड़ी सी नींद भर गई है तो थोड़ा सा चल के काम ही कर लेते हैं। शाम के टाइम में उठ गई थी काम पे से मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं क्योंकि सुबह देने का भी है काम। तो बस अब मैंने सोचा कि लाओ मैं जो ना थोड़ा काम कर लूँ, ये क्या सुबह फिर जल्दी हो जाएगा फिर वो काम, तो बस इसलिए अब मैं अपने काम की जगह पर आकर बैठ गई। और बस अब मैं देख लीजिए मैंने कपड़े वगैरह भी निकाल के रख लिए, जो मुझे स्टिच करने हैं ना वो मैंने ये निकाल के रख लिए, ये सीना है मुझे अभी, सिल जाएंगे तो फिर मैं कल आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल से लेस वगैरह इसके अंदर लगेगी साथ में, तो बस ये इस तरीके से सिलेंगे। तो ये है क्या बस, अब बस यही काम है मुझे, और सारे काम से इस टाइम पे हम फ्री हो गए क्योंकि इस टाइम पे तो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बस ये होता है कि लेटना है सोना है आराम करना है। तो जो है ना अब मैंने सोचा कि सुबह इतनी जल्दी उठना भी नहीं है, तो जो है ना थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, अगर लेट भी हो गया उठने में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी फातिमा को जाना नहीं है, संडे स्कूल ऑफ है कल। तो बस अब मैं जो है ना ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं करा है सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।